खबरों की सबसे पहले मध्य प्रदेश के कूनो से खबर है। दो चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है। नामीबिया से लाए गए हैं चीते। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और ये चीते बड़े बाड़े में शिफ्ट किए गए हैं। हालांकि अभी दो चीते बड़े बाड़े में शिफ्ट किए गए हैं। 17 सितंबर को नामीबिया से ये चीते भारत लाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया और उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले क्वारंटीन में इनको रखा गया, उसके बाद अब बड़े बाड़े में इन चीतों को छोड़ा गया है और इसका वीडियो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। ट्वीट भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है और खुशी भी जताई गई है। तो देखिए, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं और दो चीते जिनको बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इनका जो क्वारंटीन टाइम था वो पूरा हो गया, उसके बाद बड़े बाड़े में इन्हें शिफ्ट किया जाना था और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दो चीते जो कि बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिए गए हैं। नामीबिया से लाए गए हैं चीते और एक बड़ा कार्यक्रम भी किया गया था प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। 17 सितंबर को इन चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क में आज उन सभी चीतों में से दो चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है और उसी की तस्वीर, जब इन्हें शिफ्ट किया गया और कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज रही, कैसी हलचल देखने को मिली, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि जब भारत की धरती पर इन चीतों ने कदम रखा था, थोड़े सहमे से नजर आ रहे थे और उस दौरान जो टीम इन चीतों को लेकर पहुंची थी उन्होंने कहा था कि अभी थोड़ा समय लगेगा इन्हें इस यहां के माहौल में ढलने के, लेकिन अब जैसी तस्वीरें सामने आई हैं पूरी तरीके से इस वातावरण में ढल गए हैं ये चीते और क्वारंटाइन पूरा होने के बाद अब इन चीतों को आखिरकार बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिलहाल दो ही चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है और देखिए उस समय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरा ख्याल इन चीतों का रखा गया और प्रधानमंत्री ने तो इन्हें यहां मेहमान तक कहा था कि ये मेहमान हैं और इनका बखूबी ख्याल भी रखा जाए, उस तरीके से ख्याल रखा गया। हालांकि पूरे वातावरण में पूरी तरीके से ढल चुके हैं। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, देखिए अभी बीते 17 सितंबर को इन चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था, क्वारंटीन में रखा गया, उसके बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब बड़े बाड़े में इन चीतों को शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि दो चीते अभी शिफ्ट किए गए हैं बड़े बाड़े में। बिल्कुल, देखिए दीपिका, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को नामीबिया से इन 8 चीतों को लाया गया था, जिसमें मेल 3 मेल थे, उसके अलावा फीमेल जो थे चीते उनको यहाँ लाया गया था। और चूंकि बहुत ऐतिहासिक घटना थी जब एक इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज हुआ था चीतों को लेकर के, इससे पहले इस तरह का ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसलोकेशन हुआ है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसलोकेशन हुआ है, लेकिन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ट्रांसलोकेशन की ये पहली घटना थी, वो भी चीतों की, जो कि बहुत शाही होता है जानवर, बहुत शर्मिला है और बहुत नाजुक भी उसको माना जाता है। तो चीते जब 17 सितंबर को लाए गए थे तो उसके बाद ये तय किया गया था कि इनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। लगभग 50 दिन हो चुके हैं इनको क्वारंटीन का जो पीरियड था, इस 50 दिन में इनकी सघन मॉनिटरिंग की गई। लगातार जिस तरह से नामीबियन जो सरकार ने जो अपने प्रतिनिधि भेज रखे थे वो भी थे, उसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के जितने भी फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे लगातार निगरानी रख रहे थे, एनटीसीए निगरानी रख रहा था, डब्ल्यूआईआई निगरानी रख रहा था। तो इनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है लगभग और इनमें से दो जो चीते हैं, एक पेयर को आज छोटे यानी छोटे एनक्लोजर से निकाल करके बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये कोशिश ये की जाएगी कि इन दोनों की भी अब अगले एक पखवाड़े तक सघन मॉनिटरिंग की जाएगी कि इनको किस तरह का इनका व्यवहार बड़े बाड़े में आना है। बड़े बाड़े का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा बाड़ा है जो कम से कम 80-90 हेक्टेयर का है, जिसमें एक पूरा क्षेत्र मिलेगा चीते को दौड़ने भागने के लिए, स्वच्छंद शिकार करने के लिए, और उसकी सघन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इनका जब ये रिलीज जो आज जो हुआ है छोटे एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर में, अगर ये रिलीज सक्सेस रहती है तो बाकी के जो 6 चीते हैं उनको भी छोटे बाड़े से निकाल करके एक बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो ब्रीडिंग प्रोसेस भी शुरू कर दें। और एक बार अगर ब्रीडिंग सक्सेस रही तो ये राज्य हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा दिन होगा कि चीतों ने यहाँ 70 साल बाद आकर के यहाँ ब्रीडिंग की और उसके बाद
वो राह भी खुल जाएगी जब चीतों को न केवल कूनो के अलावा उनको मध्य प्रदेश के दूसरे जो नेशनल पार्क है उनमें छोड़ने की बात थी, राजस्थान के नेशनल पार्क में छोड़ने की बात थी, मुकंदरा का भी वो सपना पूरा हो सकता है, हम शाहबाद 12 में उनको छोड़ने की जिस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमको भी यहाँ चीते मिले, तो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी रहेगी। तो आज का दिन ऐतिहासिक इस मायने में है कि 17 सितंबर का दिन तो नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन था प्रधानमंत्री का, तो उस समय चीते लाए गए थे, और आज के दिन 6 अक्टूबर को, माफ कीजिए, 6 नवंबर को इन चीतों को छोड़ा गया है बड़े बड़े में। तो आज का दिन भी निर्मल जी एक बात और, क्योंकि वो समय की तस्वीर मुझे याद है कि जिस समय आप चीतों ने भारत की धरती पर कदम रखा था तो सहमे हुए थे, और अगर आज की तस्वीर देखते हैं, उस तस्वीर और आज की तस्वीर में कंपैरिजन करें तो ये लग रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ के वातावरण में ये ढल गए हैं चीते, क्योंकि यही तो कोशिश थी। बिल्कुल दीपिका, देखिए ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो ट्रांसलोकेशन हुआ चीतों का, इसके पीछे की तस्वीर भी यही थी कि जहाँ कूनो में उनको छोड़ा गया, अफ्रीका की जो वहाँ के जो जलवायु है और कूनो की जो जलवायु है आपस में काफी मेल खाती है, और मेल खाने का मतलब ये था कि ये चीते यहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे, और 50 दिन अगर ये यहाँ सर्वाइव कर गए इस धरती पर, इसका मतलब इन्होंने कंडीशन कर लिया अपने आप को यहाँ पर, इस वातावरण के अनुकूल बना लिया है, और चूंकि इस वातावरण के अनुकूल अगर इसको बना लिया गया है तो इसका फायदा ये होगा कि इनका जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत सफल रही है, और अगर ये यहाँ पर ब्रीडिंग प्रोसेस जैसे मैंने पहले भी कहा पूरा करते हैं तो एक इतिहास होगा, एक इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के बाद किस तरह से चीते यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं और हिंदुस्तान उसके एक नजीर बन जाए। दीपिका बिल्कुल, निर्मल जी एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने जैसे बताया कि अभी शुरुआत 2 चीतों से की गई है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या एकदम से एक साथ सारे चीतों को नहीं शिफ्ट किया जाता है, स्टार्टिंग कम से की जाती है, ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए दीपिका, क्या होता है कि ये जो एपेक्स प्रेडेटर होता है, जिनको कहते हैं कि जो इकोसिस्टम के जो एपेक्स प्रेडेटर है उसमें टाइगर भी होता है, उसमें पैंथर है, उसमें चीता भी शामिल है, जगुआर भी शामिल है, पूमा भी शामिल है जी। चीता लेकिन उसका नेचर जो चीते का होता है वो झुंड में रहना भी पसंद करता है, जहाँ टाइगर्स के साथ एक अलग बात है कि एक टाइगर दूसरे नर टाइगर के साथ नहीं रह सकता, दोनों में फाइट हो जाती है, लेकिन चीतों में ऐसा नहीं है। और ये जो यहाँ से लाए गए चीते इनमें भाई भी हैं आपस में, 2 चीते वो एक ही माँ की संतान है, तो उनमें एक अच्छा किस तरह का उनमें आपस में कॉम्बिनेशन रहता है, किस तरह से वो आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाते हैं उसको देखना होता है, और यही कारण है कि इन सबको पहले ये देखा गया कि क्या यहाँ ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ है क्या वो सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, इन चीतों के व्यवहार में अफ्रीका से हिंदुस्तान में आने के बाद इनके व्यवहार में क्या अंतर आया, यहाँ की जलवायु से अपने आप को ये उसका समायोजन कर पाए नहीं कर पाए, अपने आप को अनुकूल बना पाए नहीं बना पाए, तो अच्छी बात ये रही कि इन्होंने अपने आप को अनुकूलन जो करना था, कंडीशन करना था हिंदुस्तान की सरजमी पर आने के बाद, खासकर पूर्ण मध्य प्रदेश में, तो वो कर चुके हैं। बिल्कुल निर्मल जी, और देखिए जब क्वारंटीन में थे तब भी इनके व्यवहार पर नजर रखी गई, अब बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया तब भी इन पर नजर रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे जयपुर।